टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो राष्ट्रवादी के बिना वहाँ मेयर नहीं बन सकता। समुन्द्र में छलांग वही लगाता है जिसको तैरना आता है, और शमीम खान को सीधा भी तैरना आता है और उल्टा भी तैरना आता है। ग्राउंड से कह रहा हूँ, कल किसी गली से भी कह दूंगा। 40 सीट का आया तो नोट कर लो उसको, पेन नहीं है तो मैं दे देता हूँ आपको। बिल्कुल आएगी। मैं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। ठाणे महानगर पालिका यानी नगर सेवक की चुनाव अब नजदीक है। नगर सेवकों की 5 साल का कार्यकाल कुछ दिन में खत्म हो जाएगी। उससे पहले अब नेता जाग उठे हैं। जो नहीं जागे हैं वो समय आते ही जाग जाएंगे। फिर सवाल पे सवाल, मुद्दे की भरमार, विकास और विनाश की बात सामने आएगी। एक ऐसे नेता जिनका इस मुमरा शहर में बहुत योगदान है, आंदोलन सम्राट सैयद अली भाई साहब ने कल खेल के मंच से कहा, शमीम खान 40 सीट की बात की है तो बिल्कुल 40 सीट ही आएगी। शमीम खान ने कहा था, वो बात और थी, लेकिन अब सैयद अली भाई साहब ने भी 40 सीट का जिक्र कर दिया है। भाई साहब, कल इसी मंच से शमीम खान साहब ने ऐलान किया कि 40 सीट इस बार जो है लाएंगे नगर सेवक के चुनाव में। हमारे अध्यक्ष ने कह दिया ना, इंशाल्लाह ताला पूरी उस पे आएगी, पूरी मेहनत करेंगे। मतलब कि आएगी ना? बिल्कुल आएगी। हम लोग कुछ बात कहते हैं, हम लोग कुछ कहते हैं ना तो बहुत सोच समझ के कहते हैं। तो हमने सोच समझ के कहा है, इंशाल्लाह ताला 40 आएगी। तो आपने सुना, लेकिन अब शमीम खान ने मीडिया से, पत्रकारों से बात करते हुए दावा किया है, 40 सीट तो 40 सीट आएगी। ये 40 सीट क्या है, कुछ लोग समझ गए होंगे, जो नहीं समझे होंगे वो सुने। कलवा मुमरा में नगर सेवक का चुनाव अब कुछ दिन बचे, यानी ठाणे महानगर पालिका का चुनाव अब कुछ दिन बचे हैं, जिसमें कलवा मुमरा से वो दावा कर रहे हैं 40 सीट की। नगर सेवक यानी एनसीपी के होंगे ऐसा कहना है। देखना होगा आने वाले समय में शमीम खान की बात कितनी सटीक उतरती है। सुनिए शमीम खान का क्या कहना है। यूथ के बच्चों को देखकर, स्टेडियम में इतने बच्चों को देखकर आपने फैसला कर दिया 40 सीट आ जाएगा? 40 सीट? हुसैन भाई, आप कल से बहुत परेशान है। सुनिए 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 सुनिए, जवाब ले लीजिए आप, आज आप जवाब ले लीजिए भाई साहब। आपने देखिए, हर अच्छा काम करने वाला आदमी, हर एक वो तबके का आदमी जो मेहनत करता है, उसको मजदूरी मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती मजदूरी उसको? तो हम लोग काम करते हैं शहर के लिए, जितेंद्र अवार साहब के नेतृत्व भाई साहब की आदत में। तो हम ये जानते हैं कि इस शहर के लोगों ने हमेशा मजदूरी बराबर दिया, हम लोगों को प्यार दिया है। तो हमें ये शहर से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अगर मुमरा कौसा कलवा से 40 सीट आती है तो राष्ट्रवादी के बिना वहाँ मेयर नहीं बन सकता। वहाँ झंडा दे, सुनिए 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 सुनिए, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए, आप सुनिए, बोलता वही है जिसको, जो सुनिए, समुन्द्र में छलांग वही लगाता है जिसको तैरना आता है, और शमीम खान को सीधा भी तैरना आता है और उल्टा भी तैरना आता है। सबसे पहली बात क्लियर कर दूं मैं, सुनिए, सबसे बात क्लियर कर दूं आपको मैं, कि मैं वो शख्स बात कर रहा हूं कि डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब भाई साहब की क्यादत में मैं यहां का पार्टी प्रेसिडेंट हूं और पार्टी अध्यक्ष होने के नाते ये बात कह रहा हूं मैं। रही बात मैच के ग्राउंड से कह रहा हूं, कल किसी गली से भी कह दूंगा जब हमारा कोई स्टेज प्रोग्राम लगेगा, तो फिर कहता हूं आपसे मैं कि जो आप कुछ लोगों की सुनी सुनाई बातें करते ना फिरोज भाई, आप परेशान रहते अंदर से। अरे अगर 40 सीट का आया तो नोट कर लो उसको, पेन नहीं है तो मैं दे देता हूं आपको, नोट करो कागज के ऊपर, साइन करता हूं, इंशाल्लाह ताला ये आवाम 40 सीट चुन करके विधानसभा से भेजेगी महानगर पालिका। और जो आज हमारे शहर के साथ में कहीं कुछ कमी रह जाती है, नाइंसाफियां होती है, उसको हमारा हक हम ले करके रहेंगे। आपने फिर अभी कहा ये आवाम, मतलब ये जो खेल खेल रहे हैं पूरे मुमरा के भाई, ये मां-बाप देख, एक मिनट सुनिए सुनिए सुनिए, आपको साफ कर दूं मैं, यहाँ से लाइव चल रहा है, एक मिनट सुनिए 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 सुनिए, अरे भाई सुनिए सुनिए, यहाँ से लाइव चल रहा है,
लोग लाइव से देख रहे हैं, आपका कैमरा कह रहा है, कल लोगों को दिखाएगा बताएगा, तो मैं आपको बात कह रहा हूँ, यहाँ बच्चे भी हैं, यहाँ इनका बेटा भी खेल रहा है, रफीक भाई का अब्बा भी खड़े हैं यहाँ पे, राउत साहब भी खड़े हैं, इनका बेटा भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे पूरी आवाम है। मैं आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमेशा हमारा जो हमारी जो मेहनत होती है उसकी मेहनत का इनाम देती है, उसके लिए हमारी शहर की आवाम का हम शुक्रिया अदा करते हैं। आपके साथ में भाई साहब खड़े हैं जो कि ये कभी झूठ नहीं बोलते, इनके सामने आपने वादा किया है 40 सीट की, आप इसको भूलिए मत, आप इसको भूलिए मत, सुनिए सुनिए, आप इसको सुनिए 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 सुनिए, मैं जानता हूं कि आप प्ले करने मास्टर हैं, मैं जानता हूं आप इसीलिए ले रहे मुझसे, लेकिन आप सुनिए, एक बार जब ये डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के सिपा सालार लोग, भाई साहब के सिपाही जो सिपा सालार है भाई लोग ने मिशन कर लिया है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला गफूर रहीम है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुमरा कौसा कलवा की अवाम के दिल में ये बात को डाला है आपने बहुत पहले से भी, और आने वाले वक्त में भी इसे डाल दे अल्लाह ताला, कि हमारी अवाम की बात, हमारे कौम की बात, हमारे शहर का विकास, अगर शहर से लोग चुन के जाएंगे थाने टीएमसी के अंदर, तो हमारे शहर का और तरक्की और डेवलपमेंट होगा, उस डेवलपमेंट को पूरा करने के लिए हम मिशन लेते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारी पार्टी से चुन करके डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के नेतृत्व में हमारी 40 सीट आए, जिससे वहाँ झंडा जब फहराए तो वहाँ घड़ी के बिना ना फहराए।